चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे और 100% एंड 10% उनकी सरकार बनेगी। यूपी में जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री योगी जी, तब से यूपी को पूरे तरीके से उन्होंने बर्बाद करने का काम किया, और जितना हत्या यूपी में इनके सरकार में हुआ है उतना किसी के सरकार में इतना हत्या नहीं हुआ। एकदम जाएंगे, और अखिलेश यादव जी हमारे परिवार में है, रिलेशन में है, तो अखिलेश यादव जी से तो हमारी लगातार बातचीत होते रहती है। और सफाई यूपी तो भाई घर है, हमारे सिस्टर हैं वहाँ, तो वहाँ तो चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे और 100% एंड 10% उनकी सरकार बनेगी, और हम लोग खूब मेहनत करने का काम करेंगे। लेकिन योगी जी दावा कर रहे हैं कि जो विकास कार्य उन्होंने 5 साल में किए हैं उसके बूते वो सरकार जो है दोबारा यूपी में बना लेंगे, और अखिलेश का कोई अता पता नहीं रहेगा नतीजों के बाद। जिस तरीके से यूपी में जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री योगी जी, तब से यूपी को पूरे तरीके से उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, और जितना हत्या यूपी में इनके सरकार में हुआ है उतना किसी के सरकार में इतना हत्या नहीं हुआ, तो सरकार जो अखिलेश यादव जी की बनेगी। अच्छा, मुकेश सहनी कोई करिश्मा कर पाएंगे यूपी में? मुकेश सहनी कोई करिश्मा कर पाएंगे? वो भी लड़ रहे हैं 165 सीटों। मुकेश सहनी जी तो बिहार में करिश्मा नहीं कर पाएंगे, आप यूपी छोड़ दीजिए, बिहार में कोई लायक नहीं है मुकेश सहनी। उपेंद्र कह रहा था जिस तरीके से वहाँ पर नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे, सामने में कई पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है जीत काफी आसान तो नहीं है? बंगाल में भी नरेंद्र मोदी जी किए थे तो क्या हासिल हुआ नरेंद्र मोदी जी को? यूपी में सरकार बन रही है। पंजाब में क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ हुआ है, कह रही है कि तमाशा कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा में चूक हुआ कांग्रेस की चाल है। देखिए, प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहीं भी जाकर के जमीन पर लोटपोट कर लेते हैं, तो ये सब उनका सब प्लान उन्हीं का है। बीजेपी को वहाँ क्या है तो फिर बहाल कर लेंगे, उनका सरकार है वो। हमारे किसान भाई जो इतना आंदोलन किए, शहीद हुए, फांसी लगाए, तो ये नरेंद्र मोदी जी का पूरे तरीके से समझिए कि ये स्टंटबाजी करते हैं। स्टंटबाजी जैसे टिकटॉक नहीं बनाते हैं, जैसे रील्स हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से वो करते हैं। अच्छा, किसान जो नहीं कर रहे हैं, किसान खत्म हो गया, नौजवान खत्म हो गया। अच्छा, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा बहुत सॉफ्ट हो गए आप लोगों को लेकर, आरजेडी जेडीयू का लग रहा है कि एक तरीके से मन में। आज इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने पंखा बनाया था, पंखा खत्म हो गया उनका। अब उपेंद्र कुशवाहा जी सॉफ्ट हो गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी राजद ज्वाइन कर लें, स्वागत है।